में, वहां पे पार की तरफ से कुछ छुपाने का अंदेशा हुआ। जब उसको की कपड़े के अंदर बंधी हुई थी अलग अलग पैकिंग्स में और एक ही कपड़े से डाल के रखी गई थी। उसके साथ ही हमें वहां पे पतली एक तार मिली जो जिस तार की लंबाई तकरीबन 70 से 75 फीट थी। अगर वो तार की लंबाई नापी जाए तो हमारे इंडियन साइड में जो ट्यूबवेल का जहाँ शुरुआत होती है वहां तक वो पहुंच रही थी। ये एक इंडिकेशन देता है कि फसलों का जो अभी फसल काफी ऊपर आ चुकी है उसका शेल्टर लेते हुए रात को स्मगलर ने यह अटेम्प्ट किया है कि यह सामान को उस हौदी में डाल दिया जाए। और ऑन साइड का जो भी रिसीवर ग्रुप था उसका मकसद था कि उसको किसी तरीके से तार से पीछे खींच लिया जाए। इसको जो पुरानी बोतल है जो कोका कोला की जो पार भी जो है कोका कोला कंपनी जो है पाकिस्तान में भी अवेलेबल होती है उसको खाली करके उसमें सामान डाला गया है। और ये ग्रेन्यूल शेप में है, ग्रेन्यूल शेप वो क्लियर दिखाता है कि इसकी प्योरिटी का लेवल हाई है। इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमृतसर सेक्टर में यह पहला सीजर है जिसमें कि प्लास्टिक बोतलों का इस्तेमाल किया गया है ताकि जवानों को ये लगे कि शायद ये प्लास्टिक की बोतलें ऐसी फीकी पड़ी हैं, शायद किसान छोड़ गए होंगे फेंस के आगे, और उसको डिसीव करने के लिए, जवानों को धोखा देने के लिए ये नया टैक्टिक्स उन्होंने अपनाने की कोशिश की कि तकरीबन 5 kg हेरोइन BSF द्वारा सीज की गई डॉके के इलाके से। डॉके जो है वो हमारे इरेस्पॉन्सिबिलिटी